हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अंश स्टडी ग्रुप। दोस्तों, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी से एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। तो आज की इस अपडेट में क्या मेंशन किया गया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके हालांकि कुछ एग्जामिनेशन अभी आपके बचे हैं। जो एग्जामिनेशन कराए जाने वाले हैं वो आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराए जाने वाले हैं और 22 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन कराए जाने वाले हैं। अब आपके मन में डाउट्स हो रहा होगा कि टाइम टेबल कैसे, टाइम टेबल को भी बता देता हूँ कि जो आपका जारी किया गया है किस डेट को कौन से स्टूडेंट का कौन से कोर्सेज के लिए आपका एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल अंश स्टडी ग्रुप पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड है और ये लिखा हुआ है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। और इसमें क्या मेंशन किया गया, लिखा है शेड्यूल ऑफ वेजर थ्योरी एग्जाम 2020 और 21, बीटेक एंड बीबीए, एमबीए, एमटेक, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ, एमएससी केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। एंड उसी के साथ में आपका लेटरल बीटेक सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। और यहाँ क्या मेंशन किया गया इसे देखिए, लिखा है दिस एग्जामिनेशन विल बी द कंडक्ट ऑफलाइन मोड इन यूनिवर्सिटी कैंपस। आपके जो एग्जामिनेशन कराए जाएंगे वो आपके जो आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे वो आपके यूनिवर्सिटी के कैंपस में कराए जाएंगे। वो भी आपके एग्जामिनेशन जो कराए जाएंगे वो आपके ऑफलाइन मोड से कराए जाएंगे। अब आपके टाइम, डेट, पेपर कोड, सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन किया गया है, इसमें देख लीजिए आप कौन से डेट को किस स्टूडेंट का एग्जामिनेशन है। जैसा कि आप सबसे पहले देखिए 22 सितंबर को एग्जामिनेशन आपके जो होंगे कौन से स्टूडेंट के लिए हैं, आपके 3 बजे से 5 बजे तक एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, यानी कि आपके 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। पेपर कोड आपका मेंशन किया गया, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। सब्जेक्ट के भी बारे में बता देता हूँ, पेपर कोड में जैसे एमबीए 151, एमसीएस, बीसीएस, बीबीए, और सब्जेक्ट में यहाँ नाम मेंशन किया गया है। और आपका डिपार्टमेंट जैसे कौन कौन से स्टूडेंट का है, बीबीए, एमटेक और ब्रांच एमएससी फिजिक्स और एमएससी मैथ, सीएस एंड डबल ई और फिर एमबीए, इतने लोग का एग्जामिनेशन और एमएससी केमिस्ट्री ईटीएम का एग्जामिनेशन कराए जाएंगे 22 सितंबर को। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ आपके लिखा है 23 सितंबर को 3 से 5 बजे तक आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। और यहाँ आपके टोटल मेंशन किए गए हैं, आप इसे देख लीजिए, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑपरेशन और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एमई अप्लाइड इन द कंप्यूटर मेथड एंड सी एस एंड आई टी। और आपके फिर 24 तारीख के ही एग्जामिनेशन कराए जाएंगे आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए के, आपके ही एग्जामिनेशन कराए जाएंगे 25 सितंबर को। 25 सितंबर को जो एग्जामिनेशन आपके कराए जाएंगे वह 2 से 4 बजे तक, यानी कि आपके 2 बजे से ही एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। कौन से एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, एमबीए के कराए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर एंड ग्रुप डायनेमिक, आपके एमबीए के एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे लिखा है द मेजर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट विद 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच ऑफ, 2 आवर्स ड्यूरेशन, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर यूनिट 1, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर यूनिट 2, 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3 एंड 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 4। आपके 4 सेक्शन में एग्जामिनेशन होंगे, जैसे कि आपके टोटल जो होगा क्वेश्चन वो आपके यहाँ मेंशन किया गया, उसके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ आपका मेंशन किया गया है कि आप जो है आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिएगा, और उसी के साथ में आपको पेन करना ओएमआर सीट मिलेगी, उसी पे आपको आंसर फिलअप करना होगा और जो आपके क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये रहे आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल। और भी कोई डाउट्स अगर आपके मन में उत्पन्न होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अंश स्टडी ग्रुप के माध्यम से आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए सदैव तत्पर लगे रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।